Oh yeah, welcome friends, welcome back to Urdu Gameplays. This is Aurangzeb. और टाइटल तो आपने देख ही लिया है वीडियो का और स्क्रीन पर भी देख लिया है कि कौन सी गेम आज मैं खेलने जा रहा हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज अ टफ वन टू फाइंड द करेक्ट नेम्स पैच फॉर दिस ईए क्रिकेट 2007 गेम. बहुत 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 मुश्किल से मुझे असली नेम्स वाला इसका जो है पैच मिला, नेम एडिटर मिला, और उसको ढूंढते शायद अभी मुझे 1 घंटा लग गया. तो बाय द वे ये बताता चलूँ कि मैं कंप्लीटली जो है फर्स्ट टाइम खेलने जा रहा हूँ इस गेम को. इससे पहले एक दो मिनट के लिए मैंने इसे रन किया था, लेकिन प्रॉपरली इसको मैंने टेस्ट नहीं किया, प्ले नहीं किया. बहुत तारीफें सुनी हैं बहुत सारे लोगों से यूट्यूब पर, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है जी क्रिकेट 07 इज़ द बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम. तो देखते हैं भाई कि आप लोग सच्चे हो और क्या ये ब्रायन लारा क्रिकेट 99 को टक्कर दे सकती है. देखते हैं भाई क्या है इसमें. गेम मोड्स में है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और ट्रेनिंग नेट्स. तो ट्रेनिंग नेट्स ट्राई करने चाहिए पहले मुझे, लेकिन एक जो छोटा सा मुझे इशू नज़र आया इस गेम में वो ये है कि बैक जो आप एस्केप के बटन से बैक नहीं जा सकते, आपको यहाँ पर मैन्युअली बैक पर आकर लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है तो आप बैक जा सकते हो. या शायद बैक का कोई और बटन हो, मैंने चेक नहीं किया, हू नोज़. और गेम मोड्स में हमारे पास 3 मोड्स हैं जी, और इसके अलावा एशिज है. वाओ, 2005 एशिज सिनेरियोस एंड 2005 एन पावर एशिज सीरीज, 2006 एवन 3 मोबाइल एशिज सीरीज. चलो ये तो बाद की बात है, पहले ऐसा करते हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी का कोई प्लेयर जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग. और इसका फेस वगैरह, एट्रीब्यूट्स, एक्सेसरीज, इंफॉर्मेशन, बैट, और इसको अपने स्क्वाड में ऐड कर सकते हैं. या आई एम नॉट गोना क्रिएट अ प्लेयर राइट नाउ. और इसके अलावा माई क्रिकेट में हमारे पास जी स्क्वाड मैनेजमेंट है, जहाँ पर आप प्लेयर के नेम्स वगैरह एडिट कर सकते हैं आई थिंक सो, लेकिन देखते हैं चलकर. एडिट टीम या एडिट नंबर्स, तो बाय डिफॉल्ट रिकी पॉन्टिंग आई मीन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है उसका और इंग्लैंड का और शायद न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का लाइसेंस ईए ने ख़रीद लिया था 2007 के लिए. उसके बाद बाकी जो टीम्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, ETC, श्रीलंका, इनके रियल नेम्स नहीं मिलेंगे अनलेस के यू यूज़ द पैच. और अगर आपको पैच चाहिए हो तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब तक मेरे पास मौजूद है. अगर आपको मिल नहीं रहा या आपके पास पहले से नहीं, तो यहाँ पर आप कोई भी प्लेयर जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कैप्टन बना सकते हैं, व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं उसकी, उसकी स्किल्स वगैरह, ये वो सारा कुछ देखने के लिए. ओके दैट्स फाइन. बैटिंग एट्रीब्यूट्स, बॉलिंग एट्रीब्यूट्स, बॉलिंग डिलीवरीज, फील्डिंग एट्रीब्यूट्स एंड बैटिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्पेशल स्किल्स, कैरियर स्टैटिस्टिक्स, दैट्स वेरी वेरी नाइस. आई एम इम्प्रेस्ड के बहुत ज़्यादा डिटेल है इस गेम में. तो 1 पॉइंट ऑन दिस. अच्छा, बहरहाल हमने टीम वगैरह एडिट नहीं करनी, ना ही नंबर एडिट करने. इसके अलावा गेम सेटिंग्स हैं जी, जहाँ पर आप फील्डिंग ऑटोमेटिक या मैनुअल चूज़ कर सकते हैं. तो मैं तो अभी ऑटो के साथ ही जाऊँगा. और 50 ओवर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जो है वो कितने ओवर के बाद अप्लाई हो, मेरे ख्याल में वो तब 15 ओवर के बाद हुआ करती थी. पावर प्ले आई डोंट रिमेंबर कि पावर प्ले 1, पावर प्ले 2 तब मौजूद था या नहीं, लेकिन डिफ़ॉल्ट है 20. तो चलें इसे 20 चलने देते हैं. पिक्चर इन पिक्चर ऑन, रनिंग असिस्ट ऑन,
बैट्समैन टाइमिंग गेज ऑफ ऐसे ऑन करूँगा, क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है इस गेम का, तो थोड़ी सी मदद चाहिए होगी मुझे। रडार ऑन है, बॉलिंग मार्कर ऑन है और बॉलिंग स्पीड जो है मीटर पर आ रहा है, हम इसे किलोमीटर पर आर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर किलोमीटर ज़्यादा चलता है मीटर से। गेम स्पीड मीडियम है, तो जब मैं पहले इस सेटिंग में आया था मेरा दिल किया था मैं इसे स्लो पर सेट करूं, क्योंकि ब्रायन लारा 99 थोड़ी स्लो रिदम वाली गेम है, लेकिन फ़िलहाल फर्स्ट ट्राई है तो इसे मीडियम पर ही जाने देते हैं। इसके अलावा कंट्रोलर सेटिंग है जी, जहाँ पर आप कंट्रोल देख सकते हैं। फ्रंट फुट बैक फुट वाली ऑप्शन जो है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड टू सी दैट इट्स द फर्स्ट टाइम जो है मुझे किसी क्रिकेट गेम में फ्रंट फुट बैक फुट वाली ऑप्शन मिली, अनलेस के न्यू गेम्स जो हैं उनमें मौजूद है ये। आई डोंट नो अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट 2010, लेकिन डॉन ब्रैडमैन में ये ज़रूर मौजूद थी फ्रंट फुट बैक फुट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले फ्रंट फुट बैक फुट पर जाकर खेलने वाला सिस्टम जो है ईए क्रिकेट 07 ने इंट्रोड्यूस करवाया। मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो। और यहाँ पर फ्रंट फुट बैक फुट आप ऑटो या मैनुअल कर सकते हैं। अगर मैनुअल करते हैं तो बैक फुट आप डब्ल्यू से खेल सकते हैं और फ्रंट फुट शॉट्स आप एस से खेल सकते हैं, और एडवांस शॉट आगे बढ़कर आप डी से खेल सकते हैं, बॉल आप लीव कर सकते हैं ए से। तो अगर हम इसे ऑटो पर करते हैं तो फ्रंट फुट बैक फुट जो है वो ऑटोमेटिकली यूज़ होगा गेम में। इसके अलावा नीचे लिखा रहा है प्रेस टू स्विंग बैट, ओके। यानी अगर बैक फुट फ्रंट फुट कर देंगे तो फिर एरो कीज़ की जगह आप W और S से शॉट खेलेंगे, शायद ऐसा ही है जैसा लिखा है उससे तो मुझे यही लग रहा है। बैटिंग सिस्टम क्लासिक लिखा आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, आई रियली डोंट नो। जो मैंने बताया मेरा फर्स्ट टाइम है इस गेम में। बॉलिंग कंट्रोल्स में देखेंगे जी, टू कीप इट सिंपल प्रेसिंग एस विल लॉक यूर कर्सर एंड सेट द पिच पॉइंट। यू कैन स्विच थिंग्स अप टू प्रेसिंग ए विल सेट अ पिच पॉइंट बट नॉट लॉक द कर्सर। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन देन मूव द कर्सर एल्सवेयर एंड प्रेस डी, द कर्सर विल अपियर टू लॉक वेयर यू हैव प्रेस डी। दो वंस द बॉलर क्लोजेज इन द कर्सर विल जम्प बैक टू वेयर यू लास्ट प्रेस्ड ए। तो एस ए और डी की कहानी ये है कि आप चाहें तो जो पिच मार्कर है जहाँ पर टिप्पा लगना है बॉल का, उसको आप लॉक कर सकते हैं एक जगह पर, या दूसरा डी का बटन प्रेस करके आप उसको दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप दोबारा ए प्रेस करेंगे तो जहाँ आपने डी प्रेस किया होगा समथिंग लाइक दैट, वहीं पर वो लॉक हो जाएगा। तो ये भी इम्प्रेसिव ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप बैट्समैन को पता नहीं है भाई कि यहीं पर टिप्पा लगना है, और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता चल गया है कि कहां पर आकर बॉल बाउंस करेगी तो फिर मज़ा नहीं रह जाता, और फिर बड़ी आसानी से आप बॉल को हिट कर सकते हैं। एंड आई लाइक दैट ऑप्शन। अच्छा जी, कन्फर्म पिच पॉइंट सेट टेक पिच पॉइंट डी से, और सेट आ पिच पॉइंट ए से। बड़े कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल हैं यार, मैं तो ब्रायन लारा क्रिकेट से आ रहा हूँ। क्रिकेट 19 भी मैंने खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट अभी मुझे खेलना है आप लोगों के लिए, जो कि सिर्फ प्लेस्टेशन 3 पर और एक्सबॉक्स 360 पर रिलीज़ हुई थी। इसके अलावा एरो की से मूव एक्टिव बॉलिंग कर सकते, ओके। स्पेस से क्या है वो यहाँ पर लिखा नहीं है, नहीं शिफ्ट का बताया है और जी और एक्स का भी नहीं बताया। What am I missing? Okay, anyway, back. चलो जी, ये तो बॉलिंग के कंट्रोल भी हो गए, अब मेरा ख्याल है बैक चले जाएं हम। सिस्टम सेटिंग, यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के म्यूजिक जो हैं जो आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं थी, इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं या टोटली रिमूव कर सकते हैं। तो ये चंद एक ट्रैक्स हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं। ट्रैक का ऊपर टाइटल भी आ रहा है, आर्टिस्ट का नाम भी आ रहा है और एल्बम टाइटल भी आ रहा है। अभी तक मुझे पता नहीं ये कॉपीराइट स्ट्राइक वहाँ पर आएगा यूट्यूब पर जब ये वीडियो जाएगी या नहीं। लेट्स सी, बैक एंड लेट्स गो टू डिस्प्ले ऑप्शन।
मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइड स्क्रीन पैच, जिससे 1080p पर चल रही है ये गेम, और यहाँ पर 1600x1200 लिखा आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। फोर्स डिटेल हाई, शैडोज ऑन, एंटी अलियासिंग को मैं नहीं छेड़ूंगा, कहीं रेजोल्यूशन ना ख़राब हो जाए फिर से। बैक चले जाते हैं, साउंड ऑप्शन में आप क्राउड का वॉल्यूम और फील्ड वॉल्यूम, म्यूज़िक वॉल्यूम जो है, मेन्यू साउंड इफेक्ट्स, कमेंट्री वॉल्यूम, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट, गो बैक एंड यहाँ से आप प्रोफाइल अपनी सेव या लोड कर सकते हैं, या इवन आप रोस्टर, रियल नेम्स, लेटेस्ट प्लेयर नेम्स, किट्स, बैट्स, वट एवर, यू कैन क्रिएट अ रोस्टर बाय सेविंग फर्स्ट, और वहाँ पर फिर फाइल रिप्लेस करा सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में, EA क्रिकेट के फोल्डर में। लेट्स गो बैक। तो जी ये ऑप्शन थी जो अभी हमने एक्सप्लोर की, लेकिन ऑप्शन एक्सप्लोर करना बड़ा आसान था। पहले मुझे जाना चाहिए गेम मोड में और ट्रेनिंग नेट्स में, और मुझे पहले बैटिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कंट्रोलर मैं नहीं यूज़ कर रहा, मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एंटर भी प्रेस करें तो आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एक छोटा सा फ्लॉ नज़र आया मुझे इसके मेन्यूज़ में, तो कंटिन्यू में माउस से ही करना पड़ता है। Let's start our training. नीचे टाइमिंग मीटर आ रहा है जी, अभी ये इसने शॉर्ट क्यों नहीं खेली यार। एक हाथ आपका WASD पर होना चाहिए, लेफ्ट वाला। The timing of that shot was not correct. Try to predict when you should trigger the shot by seeing how long it takes to execute. Allow enough time for the ball to swing through the air and reach the ideal contact point. मेरे ख्याल में फ्रंट फुट बैक फुट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, क्या मैं ऑप्शन चेक कर सकता हूँ कंट्रोलर सेटिंग? फ्रंट फुट बैक फुट ऑटो है। शॉट सिलेक्शन, प्ले शॉट, ओके। मेरे ख्याल में एरो की से शॉट नहीं खेलते आप, उससे सिर्फ शॉट जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं एरो की प्रेस करके रखनी पड़ेगी जिस तरफ खेलनी, ऐसे। ये टाइमिंग मीटर जो है नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आइडियल सेंटर में, अगर आइडियल शॉट आपने खेली, टाइमिंग आपकी आइडियल रही, तो ये रेड और येलो बार है, ये आइडियल वाले एरिया में रुकेगी, और अगर आपने पहले खेल ली शॉट तो ये अर्ली या वेरी अर्ली में रुकेगी। A delivery of a good length or medium length is difficult to play, and it's the ideal length for a bowler. The best shot selection is a front foot defensive shot. Okay, तो बताया मैं ये गया जी, गुड लेंथ जो बॉल है उसको डिफेंड करना है इस तरीके से। गुड लेंथ बॉल वैसे वो थी जिसका ठप्पा ना ज़्यादा बहुत पीछे है ना ज़्यादा आगे है, जैसे कि ये वाली आई है, इसको मैंने डिफेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अप एरो की और लेफ्ट एरो की प्रेस कर गया, जिसकी वजह से वो थर्ड मैन की जानब शायद खेलने की कोशिश कर गया बैट्समैन। डिफेंड करने के लिए आपको सिर्फ अप एरो की होल्ड करके रखनी और एस का बटन या W का बटन प्रेस करना है अगर आप ऑटोमेटिक फुटवर्क पर खेल रहे हैं, ऐसे ही है। तो पहले हमें डिफेंडिंग सीखनी चाहिए सही तरीके से, और जो बुरी बॉल मिलती है उसको हमें शॉट मारनी चाहिए उस पर। ये फुल आइडियल थी टाइमिंग यहाँ पर। अब एक शॉट खेलने की, सिंपल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं डाउन एरो की से। शॉर्ट बॉल थी, इस वजह से बॉल जो है बल्ले पे आई नहीं, तो इसे हमें कट करना चाहिए था। ये तो स्लो बॉल कर आ गया यार, इसी वजह से टाइमिंग जो है अर्ली में चली गई।
ये एस और डाउन एरो की से मैंने खेली थी शॉट। ये एस और डाउन एरो की और लेफ्ट एरो की कवर पर शॉट खेलने की कोशिश की थी ये। If the bowler is consistently bowling just short of a length and you're finding it difficult to score runs, use the batsman advance option to move to the pitch of the ball. This will enable you to drive the ball more confidently and make the bowler more wary. एडवांस शॉट मेरा ख्याल डी से है। चलें ट्राई करते हैं यार, अगर होती तो। A ball that is pitched short should be countered by a back foot shot. Select a back foot shot to ensure that your batsman gets on top of the ball and remains in control. बैक फुट पर जाकर खेलनी है जी, वो कह रहा शॉर्ट बॉल। तो मे बी ट्रेनिंग में बैक फुट फ्रंट फुट चल रहा है क्या? आई डोंट नो, लेट्स ट्राई दैट। डब्ल्यू से खेलूंगा इस दफ़ा मैं, बैक फुट पे जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन गया नहीं बैक फुट पर, तो बैक फुट फ्रंट फुट ऑटोमेटिक चल रहा है। Excellent timing and shot selection. इसके अलावा लॉफ्टेड शॉट यानी सिक्स के लिए आप शिफ्ट के बटन को होल्ड करके फिर शॉट खेलें। Attacking with the six hit button can be an effective weapon, assuming that your batsman is of high quality and well settled. Quick runs can be scored, and the opposing team can be forced onto the defensive. Ensure that you select your shots carefully according to the fielding positions. वी लेफ्ट साइड पे ऊपर टॉप पे मीटर एक शो हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का वो। ओके मेरे ख्याल में मुझे बैक फुट जो है वो मैनुअल कर देना चाहिए अब, ताकि मैं Well बैक फुट done. पर जो है ट्राई कर सकूं एक। वैसे ट्रेनिंग में मेरे ख्याल में उसको मैनुअल होना चाहिए था। अब ट्राई Good करते हैं shot. जी, बैक फुट पर अगर टिप्पा पीछे आता है, शॉर्ट बॉल आती है तो खेलने की कोशिश करते हैं ऐसे। नथिंग। ओके मेरे ख्याल में मैं एरो की से बैट स्विंग करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे डब्ल्यू प्रेस करना था शायद। Timing is a crucial part of the art of batting. If you select the best shot for the situation, you can get yourself out if the timing's all wrong. Playing it early is fatal. Playing it late is the answer. Watch the timing gauge below to track how well you're timing the ball. Excellent timing and shot selection. Good shot. मुझे एक ओडीआई खेलना पड़ेगा, वनडे इंटरनेशनल। Well played. बैक फुट पर जाना चाहिए था मेरे ख्याल में, इस शॉट पे शॉर्ट बॉल थी। Good. That was a well-executed shot. If the bowler is consistently bowling just short of a length and you Excellent shot. अभी तक जो मुझे समझ आई है वो यही है कि बैटिंग काफी बेहतर है। ऊप्स, Excellent timing and shot selection. यहाँ क्या मिस्टेक हुई मेरे से? आई डोंट नो। एस और डब्ल्यू शायद इकट्ठे प्रेस हो गए।
If the ball is wide of the stumps, you could consider the option of leaving it alone, particularly early in your. एक आधी बॉल लीव करके भी देखते हैं जी ए के बटन से, लेकिन ये स्टंप्स पर आ गई है तो इसे हम लीव नहीं कर Good सकते। shot. ये Well done. चीज़ A good shot. ये मैं पुल करने की कोशिश कर रहा था, बैक फुट जो है उस पर शॉर्ट सिलेक्शन। If the bowler is consistently. तो अच्छा वो टाइमिंग मीटर है बेसिकली, अर्ली और लेट वाला, If the जो bowler is लेफ्ट साइड पर consistently ग्रीन कलर में bowling नज़र jump. आ रहा है, उसके ऊपर जो मीटर है आई थिंक वो कॉन्फिडेंस मीटर है शायद बैट्समैन का। Well played. ये बॉल हिट क्यों नहीं हुई पता नहीं, खेली तो सही थी डब्ल्यू बैक फुट पर जाकर। स्लो बॉल भी कराता The है, timing of that shot was not correct. If the ball is wide of the stumps. ये गोल बॉल जो है कोई बाहर आए तो उसको लीव करने की कोशिश करते हैं ऐसे। ओहो दैट्स गोना हर्ट। अच्छा जी चेंज करते हैं यार, मेरे ख्याल में बैटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो ही गई है, तो बॉलिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी यहाँ पर, चेंजिंग की ऑप्शन कोई? When a ball is well pitched up and directed at the कोई stumps, बटन कोई ideally you चीज़ should select a forward defensive to बॉलिंग protect your wicket. प्रैक्टिस लगाने If के you're on लिए the नहीं offensive, मिल रहा then मुझे use the भाई, straight drive or. तो मेरे ख्याल में हमें प्ले सेटिंग्स, बॉल बैट्समैन राइट लेफ्ट, बॉलर फास्ट मीडियम मीडियम लेफ्ट आर्म, स्पिनर फास्ट बॉलर लगाते हैं, बॉलर आर्म राइट लेफ्ट आर्म लगाते हैं, सेट लाइन एंड लेंथ रैंडम रैंडम। ओके ट्रेनिंग में भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं यार, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर आ गया अब। Excellent shot. टाइमिंग अर्ली गई इस दफा, शायद इस वजह से खेल नहीं पाया मैं। Good. That was a well executed. ये टाइमिंग आइडियल थी। बहरहाल मैं बैटिंग से इम्प्रेस हो गया हूँ जी। Well done. A good shot. बैक फुट फ्रंट फुट और डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं बैटिंग में, दोज आर फार बेटर देन ब्रायन Good लारा shot. क्रिकेट, नॉट इंक्लूडिंग ब्रायन लारा इंटरनेशनल क्रिकेट 2010, क्योंकि अभी तक मैंने वो खेली नहीं है प्रॉपरली, Good. टाइम नहीं मिला उसका। Attacking with the six-hit button. लॉफ्टेड शॉट खेलने की मैंने ट्राई की है, अब ऐसा करते हैं एक स्पिनर भी लगा कर देख लेते हैं वो क्या करता है सलूक। Well played. शॉट बॉय इम्प्रेसिव, प्ले सेटिंग बॉलर टाइप ऑफ स्पिनर, आ जा भाई। अच्छा इसमें ये है कि एरो की से आपको पहले एरो की प्रेस करनी पड़ती है, उसके बाद स्विंग जो करना है बैट वो डब्ल्यू एस वगैरह से करना है, या दोनों को इकट्ठे Excellent प्रेस shot. कर दें, क्योंकि इस चीज़ में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा कि एरो की से शॉट है या डब्ल्यू एस से। Attacking with the six hit button can be an. Attacking with the. ओके दैट्स इनफ, और अब कोशिश करते हैं जी
mean bowling practice ki. राइट साइड पर है जी एस ए डी डब्ल्यू शिफ्ट स्पेस कंट्रोल ऑल्ट सो मच वेरिएशंस. तो एस से स्ट्रेट बॉल है आई थिंक सो. ए से ऑफ स्विंग है और डी से लेग स्विंग है और डब्ल्यू से मे बी ऑफ कटर है और शिफ्ट से लेग कटर है. स्पेस से यॉर्कर है और कंट्रोल से मे बी शॉर्ट बॉल है शायद और ऑल्ट से शायद बाउंसर है. ट्राई करते हैं एस से स्ट्रेट बॉल कराते हैं. Try pitching the ball further up. Try pitching the ball. ये try pitching the ball further up. पता नहीं क्यों बोली जाता है, क्यों बोली जाता है. Try pitching. A से करवाते हैं ball. Try pitching the ball further up. Swing हुई है वैसे बॉल. D से करा के देखते हैं. Try W से जी. That length is too short and results in easy runs for the batsman. Try to pitch the ball further up. Shift से. That length is too short and result. Slow ball कौन सी है वो देखना पड़ना अभी. Space से क्या है भाई. Try pitching the ball. Space से शायद slow ball थी. Control से. Bowling controls मुझे पढ़ने पड़ेंगे. Ball मैं फिर ही करवा पाऊंगा. Try pitching the ball. Control से bouncer है जी. और alt से क्या है. Try pitching. Alt से slow ball है. Yes, all से slow ball, control से bouncer, space से yorker. Okay, that's fine. और अब change करते हैं यार play setting में. Bowler type हम use करेंगे अब off spinner. थोड़ी सी हाउ नाउ लेने के लिए. बाकी कहते हैं कि जो असली practice आपकी होती है वो match के अंदर जाके ही होती है. As for I think leg spin. A for straight ball. That length is too. D for off swing. That length is too short. And W is for maybe flipper, flapper. That length is too. Shift is for what? That length is too short. Okay, that's enough. मेरे ख्याल में काफ़ी है थोड़ा सा बेसिक्स जानने के लिए. हमें खेलना है वन डे इंटरनेशनल. बट इन नेक्स्ट वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू उर्दू गेम प्लेज़.